आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। लायंस क्लब इंटरनेशनल विश्व का अग्रणी सेवा संगठन है। उनके अनेक सेवा एवं समुदाय प्रेरक कार्य अनुकरणीय है। फिर इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष लायंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3232 B3 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुनील गुगलिया ने एक अभियान उठाया है, व्यसन मुक्ति अभियान ड्रग अवेयरनेस मिशन। इस अभियान का उद्घाटन समारोह सोमवार 4 सितम्बर 2023 को सुबह 10 बजे आयोजित किया गया टैगोर हॉल पालडी अहमदाबाद में, जिसमें श्री किरीट सोलंकी मध्य प्रदेश उपस्थित थे और सम्मानित अतिथि के रूप में श्री प्रवीण झाजेड पूर्व अंतर्राष्ट्रीय निदेशक लायंस इंटरनेशनल, श्री पीबी पांड्या आईएएस निदेशक उच्च शिक्षा गुजरात और श्री बच्चन निधि पाणी आईएएस आयुक्त तकनीकी शिक्षा गुजरात और श्री विजय कोठारी आईएएस महालेखाकार एवं श्री पीके लेहरी पूर्व मुख्य सचिव गुजरात सरकार एवं डॉक्टर अहमदाबाद नगर निगम स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष सुजय मेहता और कार्यक्रम समन्वयक नंदिनी रावल सहित गणमान्य लोग उपस्थित थे। पेश है अहमदाबाद से नीता लिम्बाचिया की खास रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डिस्ट्रिक्ट 3232 B3। मित्रों, लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3232 B3 द्वारा आज व्यसन मुक्ति अभियान नु लॉन्चिंग करवामां आव्युं छे। आ अभियान थकी अमे लगभग 10 लाख थी पण वधु युवा मित्रों सुधी पहोंचीशुं। मित्रों, अमारी टीम ना लगभग 300 ट्रेनर अमे तैयार करी रह्या छे। એ ટ્રેનર સ્કૂલ કોલેજીસમાં જઈ અને બાળકોને ડ્રગ્સ વિશે એ કેવી ખરાબ ઇફેક્ટ આપણને આપે છે, આપણું જીવન, આપણું કેરિયર અને આપણા પરિવાર અને આપણા દેશને એ કેટલું ઇફેક્ટ કરે છે એ અમારા ટ્રેનર મિત્રો સ્કૂલ કોલેજે જશે। ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત એજ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટે લાયન્સ ક્લબ ઓફ ડિસ્ટ્રિક્ટ 3232 B3 સાથે MOU કરવાનું પણ નક્કી થયું છે કે આખી ગુજરાતમાં અમે દરેક સ્કૂલ અને કોલેજીસમાં જઈ અને આનું અભિયાન અને અવેરનેસ લાવીએ। ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર સુનિલ ભાઈ દ્વારા ડ્રગ્સ મુક્તિ અભિયાન માટેનો એક સરસ આજે આંદોલન રૂપમાં એક જનમાનસ સુધી પહોંચે એ વિચારો એ માટેનો પ્રારંભ થયો છે। 10 લાખ બાળકો સુધી, વિદ્યાર્થીઓ સુધી અને યુવાઓ સુધી પહોંચવાનો એ સંકલ્પને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું।